हाय गाइस, तो सारे के सारे मंदिर जो हैं वो देश में खुलने चालू हो गए हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो कि खुले नहीं हैं, क्योंकि कोरोना कहीं भक्तों को ना फैल जाए, इससे अभी भी मंदिर जो प्रशासन है उसने निर्णय लिया है कि कहीं कहीं पे जो मेन मंदिर है वो नहीं खुलेंगे। और मेरे जस्ट पीछे जो है वो है फेमस कैंची धाम का नीम करौली महाराज का मंदिर। 15 जून को यहाँ बहुत बड़ा भंडारा होता है हर साल पे, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से बहुत सालों बाद ऐसा होगा कि 15 जून को यहाँ जो भंडारा है वो नहीं होगा, और मंदिर के कपाट जो हैं वो आज भी बंद हैं। कैंची धाम का जो मंदिर है वो है नैनीताल से 17 किलोमीटर दूर, और 15 जून को यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। लाखों की तादाद पे लोग यहाँ पे आते हैं, और जो रोड अभी पूरी की पूरी खाली दिख रही है, अगर आप कैंची मेले के दिन आएंगे तो यहाँ पूरी रोड फुल रहती है, और यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर ऊपर तक का मंदिर आने वालों की जो लाइन होती है वो लगी रहती है। पर आज पूरा का पूरा जो रोड है वो खाली है, मंदिर के कपाट जो हैं वो अनिश्चित काल तक का बंद करे हुए हैं। सारी की सारी जो दुकानें हैं वो भी बंद है यहाँ पे। जो रोड आज इस तरह खाली है वो कैंची मेले के दौरान किलोमीटर तक का लोगों से भरे रहती है, और मंदिर जाने की जो लाइन होती है वो तो यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर ऊपर तक का रहती है, लेकिन आज कोरोना वायरस की वजह से पूरा खाली है। बाबा जी के पावन चरण जो हैं वो कैंची पे 24 मई 1962 पे पड़े थे। उसके बाद 15 जून 1964 पे बाबा जी ने यहाँ पे हनुमान जी की जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा करी थी, और उसके बाद से ही हर साल 15 जून को यहाँ पे कैंची का मेला जो है वो प्रारंभ हुआ था। और अभी भी जो वाला 15 जून को जो मेला यहाँ लगता है वो लगातार सालों साल चलता हुआ आया है। केवल 2020 ही एक ऐसा साल है जब कैंची के मेला जो है वो नहीं होगा, और जो श्रद्धालु हैं उन्हें इस साल यहाँ ना प्रसाद मिलेगा ना ही मंदिर के दर्शन होंगे। और जो श्रद्धालु हैं वो देश के कोने कोने और विदेशों से यहाँ 15 जून को आते हैं, और मंदिर में जो प्रसाद बढ़ता है उसको ग्रहण करते हैं। नीम करौली बाबा का जन्म सन 1900 में गांव अकबरपुर डिस्ट्रिक्ट फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था, और बाबा जी का जो असली नाम है वो लक्ष्मण दास शर्मा है। उनका नाम नीम करौली कैसे पड़ा इसके पीछे भी एक बहुत मज़ेदार कहानी है, जिसे मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाबा जी ने अपना जो घर था वो 11 साल की उम्र पे छोड़ दिया था, पर अपने पिताजी के कहने पे वो वापस आए, और फिर कुछ टाइम उन्होंने वापस गृह जीवन पे अपने घर में रहे। उस टाइम पे भी वो समाज सेवा में लगे रहते थे,
और उनके दो लड़के और एक लड़की थी। उसके बाद बाबा जी ने 1958 में अपना घर पूर्ण रूप से छोड़ दिया। बाबा जी को हनुमान जी का रूप भी बताया जाता है। उनके जो भक्त हैं उन्हें कई और नाम से भी पुकारते थे। नीम करौली बाबा तो हर किसी को पता ही है। लक्ष्मण दास बाबा जी का असली नाम था और जो बाकी नाम से उनको बुलाया जाता था वो थे नीम करौली बाबा, हंडी वाले बाबा, तिकोनी वाले बाबा, चमत्कारी बाबा, तलैया बाबा। बाबा जी जो थे वो भक्ति योगा से जुड़े हुए थे और जो उनके अनुयायी या कि जो कि भक्त हैं वो सेवा रूप से जुड़े हुए हैं। बाबा जी के बहुत सारे भक्त हैं और उनमें जो सबसे ऊपर अगर किसी का नाम लिया जाए तो वो रामदास जी का है। रामदास जी का असली नाम एक्चुअली रिचर्ड एल्पर्ट है और वो जब इंडिया आए थे और बाबा जी से मिले थे तो वहाँ से उनका आध्यात्मिक जीवन जो है वो चालू हो गया था। और उन्होंने उसके बाद लैरी ब्रिलियंट करके एक और हैं उनके साथ मिलके सेवा फाउंडेशन करके एक संस्था खोली थी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था है जिसका जो मुख्यालय है वो बर्कले कैलिफोर्निया पे है। बाबा जी के और भी जो मशहूर भक्त हैं जिनका नाम अगर यहाँ पे लेना जाना ज़रूरी है तो उनमें है सबसे ऊपर आई थिंक स्टीव जॉब्स का है। स्टीव जॉब्स अपने दोस्त डैन कोटके के साथ 1974 पे इंडिया आए थे। उनका मेन मकसद हिंदुत्व के बारे में जानना और जो आध्यात्मिक चीज़ें हिंदुत्व में बताई गई हैं उनके बारे में विचार करने का था। पर वो जिस समय यहाँ आए थे उनका मुख्य उद्देश्य था कि वो नीम करौली बाबा जी से मिलेंगे, लेकिन उससे ही एक साल पहले बाबा जी का जो निधन था वो हो चुका था। हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स के बारे में भी कहा गया है कि बाबा जी के एक चित्र की वजह से वो हिंदुत्व की ओर को बढ़ी थी और बाबा वो भी बाबा जी की काफ़ी बड़ी भक्त हैं। लैरी ब्रिलियंट अपने साथ गूगल के लैरी पेज और जो ईबे के सह संस्थापक हैं जेफ्री स्कल उनको यहाँ पे धार्मिक यात्रा के लिए लेके आए थे और वो भी बाबा जी से जुड़ गए थे। बाबा जी के भक्त हमारे देश में नहीं विदेश में भी बहुत सारे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बाबा रामदास थे यानी कि रिचर्ड एल्पर्ट जो थे उन्होंने एक किताब लिखी थी मिरेकल ऑफ लव और उसके वजह से और उनके मुंह से बाबा जी के बारे में सुन के बहुत सारे ऐसे विदेशी लोग थे जो कि इंडिया में आए 1960 से 1970 के दशक में और बाबा जी के भक्त बने। उसके बाद भी अभी भी बाबा जी हमारे बीच में तो नहीं है लेकिन उनकी शक्ति की वजह से अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो देश विदेश से आते हैं और बाबा जी के दर्शन प्राप्त करते हैं। बाबा जी का नाम नीम करौली कैसे पड़ा इसके पीछे जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है। फर्रुखाबाद पे एक छोटा सा गांव है नीम करौली और वहाँ पे कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं हुआ करता था। तो एक बार बाबा जी जब बिना टिकट के रेल पे यात्रा कर रहे थे तो उन्हें रास्ते पे उतार दिया गया और जब ट्रेन को वापस चालू करके चलाने की कोशिश करी गई तो ट्रेन चली नहीं। तो जो लोग ट्रेन पे बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि जिस साधु को उतारा गया है ट्रेन से उसे वापस बैठाया जाए तो शायद ट्रेन चल जाए। तो बाबा जी को जब वापस ट्रेन पे चढ़ने के लिए कहा गया तो उन्होंने दो शर्त रखी। एक तो नीम करौली जो गांव है वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन का निर्माण कराया जाए और दूसरा जो रेल कंपनी है वो जो भी साधु हैं उनके साथ ज़रा तमीज और इज्जत से पेश आए। और जब बाबा जी की ये बात मान ली गई तो जो ट्रेन थी वो चालू हो गई। उसके बाद बाबा जी काफ़ी टाइम तक का नीम करौली गांव पे रहे और वहाँ के लोगों ने बाबा जी को नाम दिया नीम करौली। बाबा जी का निधन 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में हुआ था और वृंदावन के आश्रम में ही उनकी समाधि भी है। मैं इस समय जहाँ पे खड़ा हूँ वो जगह कैंची मेले के टाइम पे इस्तेमाल करी जाती है। ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं ये एक्चुअली जो श्रद्धालु यहाँ पे कैंची मेले के दौरान पे आते हैं उनके जो जूते चप्पल होते हैं वो यहाँ पे रखे जाते हैं। उन्हें टोकन दे दिया जाता है और यहाँ पे थैले में उनके जूते चप्पल रखे जाते हैं। ऐसे ही अलग अलग जगह पे यहाँ पे जूते चप्पल रखने वाली जगह बनाई गई हैं मंदिर प्रबंधन की ओर से। मेले के दौरान जो रोड पूरी की पूरी भरी रहती थी श्रद्धालुओं से वो पूरी की पूरी कुछ इस तरह खाली है आज। तो मेरे जस्ट पीछे है कैंची का मशहूर मंदिर जो कि जब यहाँ
फेसबुक के जो फाउंडर हैं मार्क जकरबर्ग, वो आए थे और उनके आने के बाद ये मंदिर काफ़ी फेमस हो गया था। मंदिर उससे भी पहले काफ़ी फेमस था पर उसके बाद ही कुछ ज़्यादा ही लाइमलाइट पे आ गया है। रात को मंदिर की जो सजावट होती है, जो यहाँ पे लाइटिंग करी होती है, वो काफ़ी आकर्षित करती है। और मेरे पास पुराना एक वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि मंदिर कैसा लगता है रात को। जैसा कि दिख रहा है कि आगे मंदिर के जो कपाट हैं वो बंद हैं। तो मंदिर के जो कपाट हैं वो तो बंद हैं, तो बाहर से ही इस तरह कुछ दर्शन कर लेते हैं। और वैसे भी 15 जून को तो इस बार मेला होने वाला नहीं है, ना प्रसाद बचने वाला है, तो नीम करौली बाबा जी को यहीं से हम अपने हाथ जोड़ देते हैं। ऐसा लगा था मैं आपको कभी ये बंद होगा करके डेले के टाइम। तो कैची धाम के जस्ट नीचे ये छोटा सा एक और मंदिर है। यहाँ पे एक छोटी सी गुफा है और उसमें भगवान जी की मूर्ति है। यहाँ के कपाट भी आज बंद हैं। तो नीम करौली महाराज के जो आश्रम है वो इंडिया में बहुत सारी जगह पे हैं, जैसे कि वृंदावन, कैंची, भूमियाधार, लखनऊ, दिल्ली और फर्रुखाबाद, भूमियाधार। और विदेश में जो मुझे पता है वो है आपके ताउस में, मेक्सिको में और यूएस पे। तो बाबा जी के जहाँ जहाँ पे भक्त हैं वहाँ वहाँ पे उनके आश्रम और मंदिर भी मौजूद हैं। बाबा जी के जो कुछ शब्द हैं जो अभी भी उनके जो भक्त हैं वो बताते हैं कि वो कहते थे, उनमें से हैं कि सबको प्यार करो, सबका सत्कार करो, सबको भोजन खिलाओ और भगवान को याद करो, और ऑल आर वन, यानी कि सब एक हैं। मंदिर के दर्शन तो हो गए हैं कंप्लीट और मैंने सोचा कि थोड़ा और आगे को चलता हूँ, क्योंकि बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकला हूँ और बाइक चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। और बाबा जी से जुड़ा एक किस्सा है जो आपको सुनाऊंगा वहीं पे। तो चलते हैं आगे की ओर को। तो बाइक चलाते हुए मैं आ चुका हूँ एक हमारे पहले से के छोटे से पॉइंट पे। यहाँ पे मैं पहले अपने दोस्तों के साथ छोटा सा पोखर है यहाँ पे तैरने के लिए आता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा पानी में तैर के ही वापस जाया जाए। तो चलते हैं पानी के अंदर। तो गाइस नहाते हुए मुझे करीब 1 घंटा हो गया यहाँ पे। बहुत ही ठंडा पानी है और बहुत मज़ा आ रहे थे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा नीम करौली बाबा के उसमें, तो जैसे मैं अभी पानी में गया हुआ था तो पानी से रिलेटेड ही कहानी है। एक मेले के दौरान जिस समय जो यहाँ पे प्रसाद के रूप में मालपुए मिलते हैं, तो उसको बनाने के लिए जब घी कम पड़ गया था तो लोगों ने जाके बाबा जी को ये बात बताई कि बाबा जी घी तो कम पड़ गया है, अब जो मालपुए हैं कैसे बनेंगे करके। तो बाबा जी ने थोड़ी देर सोचा और उन्होंने जो पास में हमारे
नदी बहती है उसमें कहा कि जाओ उसका पानी लेके आ जाओ करके। तो लोगों ने जो भी उस टाइम पे उनके पास बर्तन रहा होगा उसमें जाके पानी लेके आए, और बाबा जी ने कहा कि अब जो कुएँ हैं वो इसी में बनेंगे। तो लोगों ने जिस समय उस पानी को कढ़ाई पे डाला तो जो चमत्कार हुआ वो ये था कि जो पानी है वो घी पे परिवर्तित हो चुका था। तो ऐसे ही बहुत सारे छोटे बड़े किस्से हैं बाबा जी से रिलेटेड, कुछ आपको किताबें मिल जाएंगी यहाँ पे अगर आप मंदिर में आएंगे, या फिर अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो उसमें मिल जाएंगे। और जैसा मैंने आपको कहा था कि बाबा जी के जो एक भक्त थे जिनका नाम रामदास था, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं, और बहुत सारे बाबा जी के ऐसे शिष्य रहे हैं जो कि उनसे मिले हुए हैं, जिन्होंने उनसे साक्षात्कार किया है और उन्होंने बाबा जी को अपने सामने सामने देखा हुआ है। तो वो उनके बारे में जो किस्से हैं, जो कहानियां हैं, जो उनके द्वारा किए गए चमत्कार हैं, वो आपको नेट पे मिल जाएंगे। तो क्योंकि इस बार कैंची का मेला तो होने वाला नहीं है, और मैंने सोचा था कि आपको इस बार आंखों देखा हाल दिखाया जाएगा कैंची के मेले का, तो इस साल तो नहीं लेकिन अगले साल पक्का आपको वो वीडियो ज़रूर दिखाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं वापस जाता हूँ पानी के अंदर पे, और इससे पहले कि घर जाने का टाइम हो जाए क्योंकि लॉकडाउन अभी भी है, तो थोड़ा सा और तैरने का मजा लेता हूँ। और आप लोग को आशा करता हूँ कि वाला वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए हो सके तो इस वीडियो को। तो मिलते हैं फिर से अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।